हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रिजनेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जीमेल पर फोटो सेव कैसे कर सकते हो। जीमेल पर फोटो सेव करने के फायदे ये हैं कि आप कहीं भी किसी के भी फ़ोन में अपना जीमेल को लॉगिन करके वहां से फ़ोटो निकाल सकते हो। अगर आपके फ़ोन से फ़ोटो डिलीट हो जाते हैं फिर भी आप जीमेल के थ्रू अपना फ़ोटो निकाल सकते हो। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक और अगर देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, ईमेल पर फोटो सेव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ईमेल को ओपन करना है। जैसे ही आप ईमेल को ओपन करते हो नीचे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद, जैसे ही आप प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे उसके बाद क्या करना है कि फॉर्म में जो आपका ईमेल लिखा हुआ है वही ईमेल आपको टू में लिखना है। तो मैं ईमेल को यहाँ लिखता हूँ और जैसे ही मैंने आधा लिखा आप देख रहे हो कि ईमेल आ चुका है, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिख देना है जिस नाम से आप फ़ोटो सेव करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ माई फ़ोटो मैंने यहाँ टाइप किया। उसके बाद कंपोज ईमेल में आपको यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ माय बेस्ट फ़ोटो। उसके बाद ऊपर आप देख रहे हो ऊपर अटैच फाइल का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अटैच फाइल पे आप क्लिक करोगे, अटैच फाइल को ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करना है कि आप जो फ़ोटो सेव करना चाहते हो उस फ़ोटो पर आप क्लिक कर दो। फ़ोटो को क्लिक करने के बाद, जैसे यहाँ फ़ोटो पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद वहाँ सेव का ऑप्शन है, उस पर सेंड का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका फ़ोटो ईमेल में सेव हो चुका है। अब जब चाहो आपका फ़ोटो अपने ईमेल से आप देख सकते हो। आपका फ़ोन से भी अगर वो फ़ोटो डिलीट हो जाता है फिर भी आप ईमेल पे देख सकते हो। जिस नाम से आपने सेव किया था वही नाम आप यहाँ सर्च मारोगे और सर्च मारने के बाद सबसे ऊपर आपका फ़ोटो यहाँ दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।